एक दिन राजा कृष्णदेव राय शिकार के लिए गए। वह जंगल में भटक गए, दरबारी पीछे छूट गए। शाम होने को थी। उन्होंने घोड़ा एक पेड़ से बांधा, रात पास के एक गांव में बिताने का निश्चय किया। राहगीर के वेश में किसान के पास गए और कहा, दूर से आया हूँ, रात को आश्रय मिल सकता है क्या? किसान बोला, आओ, जो रुका सूखा हम खाते हैं आप भी खाइएगा। मेरे पास एक पुराना कंबल ही है, क्या उसमें जाड़े की रात काट सकेंगे? राजा ने हाँ में सिर हिलाया। रात को राजा गांव में घूमे, भयानक गरीबी थी। उन्होंने पूछा, दरबार में जाकर फरियाद क्यों नहीं करते? कैसे जाए, राजा तो चापलूसी से घिरे रहते हैं, कोई हमें दरबार में जाने ही नहीं देता, किसान ने कहा। सुबह राजधानी लौटते राजा ने मंत्री और दूसरे अधिकारियों को बुलाया और कहा, हमें पता चला है कि हमारे राज्य के गांव की हालत ठीक नहीं है। तुम गांव की भलाई के काम करने के लिए खजाने से काफ़ी रुपया ले चुके हो, क्या हुआ उसका? मंत्री बोला, महाराज, सारा रुपया गांव की भलाई में ही खर्च हुआ है, आपसे किसी ने गलत कहा है। मंत्री के जाने के बाद उन्होंने तेनालीराम को बुलावा भेजा। कल की पूरी घटना उसको कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, महाराज, प्रजा दरबार में नहीं आएगी, अब आपको ही उनके दरबार में जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका फैसला उन्हीं के बीच जाकर कीजिए। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि कल से हम गांव-गांव में जाएंगे यह देखने के लिए कि प्रजा किस हाल में जी रही है। वो सुनकर मंत्री बोला, महाराज, लोग खुशहाल है, आप चिंता न करें, जाड़े में बेकार परेशान होंगे। तेनालीराम बोला, मंत्री जी से ज़्यादा प्रजा का भला चाहने वाला और कौन होगा? यह जो कह रहे हैं ठीक ही होगा, मगर आप भी तो प्रजा की खुशहाली देखिए। मंत्री ने राजा को आसपास के गांव दिखाने चाहे, पर राजा ने दूर दराज के गांव की ओर घोड़ा मोड़ दिया। राजा को सामने पाकर लोग खुलकर अपनी समस्या बताने लगे। मंत्री के कारनामे का सारा भेद खुल चुका था, वह सिर झुकाए हुए खड़ा था। राजा कृष्णदेव राय ने घोषणा करवा दी कि अब हर महीने कम से कम एक बार वे खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।